आज का पेंटिंग है चेरी स्टर्मन का, जो यूएसए के रहने वाली है और खुद एक बहुत ही बेहतरीन पेस्टल आर्टिस्ट है। उन्होंने रिसेंटली मुझे एक पेस्टल पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट किया था और ये बहुत ही बेहतरीन बना है। थैंक यू सो मच चेरी फॉर दिस वंडरफुल गिफ्ट। और मुझे लगा कि क्यों ना मैं उनका ही एक पोर्ट्रेट बनाऊँ एक्रेलिक में। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा स्टार्ट होता है एक आउटलाइन के साथ। यूजुअली मैं प्रिजर्व करना पसंद करता हूँ आइज़, नोज़, ईयर्स, इस सब एरिया को। और यहाँ पे मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एक नायलॉन राउंड ब्रश और उसके साथ मेरा कलर्स है बंट अम्बर और वाइट। ये प्रोसेस आप लोग पहले भी देखे होंगे और मुझे लगता है बहुत लोग इस प्रोसेस को अप्लाई भी कर चुके होंगे। और आप लोग को रिज़ल्ट कैसा मिल रहा है डेफिनेटली कमेंट्स में आप लोग शेयर कीजिए, मुझे डेफिनेटली अच्छा लगेगा। और कौन कौन लोग आप लोगों में से ये प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं पेंटिंग में, वो भी डेफिनेटली शेयर कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। ठीक है, तो अभी आप लोग देख पा रहे हैं कि स्टेज में मैं जो डार्केस्ट डार्क एरिया है वो, और जो लाइट एरिया है जहाँ पर हाईलाइटेड है फेस पे, वो भी मैं अभी स्टेज में पेंट कर रहा हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेज है ये अंडर पेंटिंग। ओके, तो अभी इस स्टेज में मैं स्किन के ऊपर जो फर्स्ट कोट है वो अप्लाई कर रहा हूँ। काफ़ी ड्राई है मेरा ब्रश एक्चुअली, ये भी अगेन एक हॉगे ब्रश मैंने इस्तेमाल किया, फिल्बर्ट टाइप का, बहुत लाइट कोट मैंने पहले डाला हुआ था। अभी मैं थोड़ा सा फोकस में शिफ्ट किया, जगह जगह थोड़ा सा डर्टी सा ग्रीन कलर था उसको मैंने अप्लाई किया। और अभी मेरा फोकस रहेगा जो हाइलाइटेड एरिया है फेस का, सबसे ज़्यादा हाइलाइटेड एरिया उसके ऊपर। तो इसके लिए अगेन मैं एक हॉगेयर ब्रश ले रहा हूँ फिल्बर्ट टाइप का। अगर आप लोग के पास हॉगेयर ब्रश नहीं है तो नायलॉन ब्रश से भी आप लोग काम चला सकते हैं। तो अगेन मेरा फोकस अभी रहेगा आइज़ के ऊपर, क्योंकि चेहरे के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आइज़, एटलीस्ट मेरे लिए। उसके बाद आता है लिप्स। तो लिप्स के लिए जो कलर मैंने अप्लाई किया, क्रिम्सन, अल्टरमेट ब्लू, थोड़ा सा रेड स्कारलेट मैंने इस्तेमाल किया और वाइट। और टीट का कलर कम्प्लीटली वाइट मैंने नहीं डाला, वाइट का जो हाईलाइट है वो डाला था मैं एक्चुअली। अगेन मैं हल्का सा ब्लेंडिंग कर रहा हूँ, ब्रश मेरा सेम है 5 या 6 फिल्बर्ट टाइप। अभी सेम ब्रश से मैं हेयर्स के ऊपर जो बेस कोट है वो अप्लाई कर रहा हूँ। और इसके लिए मैंने थोड़ा सा येलो ओकर का भी इस्तेमाल किया। अभी थोड़ा सा वाइट उसमें ऐड करके मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, लेकिन ये फाइनल स्टेज नहीं है। अगेन आप लोग देख पा रहे हैं कि मैं उसी जगह को फिर से हाईलाइट कर रहा हूँ, मतलब काफ़ी ठीक पेंट अभी अप्लाई कर रहा हूँ। अगेन द सेम ब्रश। इस स्टेज में मैं फोरहेड के ऊपर काम कर रहा हूँ, लेकिन फोरहेड में भी काफ़ी सारा कलर्स के वेरिएशंस है। नोज़ के ऊपर काफ़ी सॉफ्ट एजेस है, मतलब एक एरिया से एक एरिया तक जब ब्लेंड होता है काफ़ी सॉफ्टली ब्लेंड होता है, उसके लिए काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है इस स्टेज में। ठीक है, अगेन मैं आइज़ के ऊपर काम कर रहा हूँ। इस स्टेज में मैं एक नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप लोगों के हिसाब से आप लोग ब्रश इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और बैकग्राउंड का जो मैंने इनिशियल कलर मैंने डाला था येलो कलर के साथ बंट अम्बर वाइट, ओके, लेकिन बाद में मैं इसे चेंज करने वाला हूँ। अगेन मैं हाईलाइट के ऊपर काम किया। इस बार मेरा जो ब्रश है राउंड ब्रश है, ये सबसे इम्पोर्टेंट
पार्ट है और सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे लगता है इसको आइस पे हाईलाइट डालना। अभी जो मैंने बैकग्राउंड अप्लाई किया था थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो उसी के ऊपर मैं अभी मुझे लगा कि ये बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा पर्पलिस करना चाहिए। उसके लिए आपने देखा होगा कि मैंने क्रिम्सन का इस्तेमाल किया व्हाइट के साथ, और उसमें डोमिनेंट कलर क्रिम्सन है और अल्टरमेंट ब्लू है। बाद में इसे मैं फिर से एडजस्ट करने वाला हूँ और डिटेल ब्रश के लिए मैं नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो यूजुअली आप लोग देखे होंगे मेरे बहुत सारे पेंटिंग्स में। ये बहुत ही चीपली अवेलेबल है, कहीं पर भी मिल सकता है, कोई स्पेशलिटी ब्रश नहीं है। साइज़ 5-6 का आप लेने से हो जाएगा, काफ़ी पॉइंटेड है तो कई सारे काम के लिए हो जाते हैं ये ब्रश। डिटेलिंग का भी काम आ जाता है, जैसे कि अभी मैं कर रहा हूँ टाइट एरियाज में। ये पेंटिंग ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि फिनिश हो चुका है और मैं यहाँ पे कर सकता हूँ काम, लेकिन मेरे लिए अभी लग रहा है कि ठीक है, ऑलमोस्ट फिनिश है। ओके, अभी मैं बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा लाइट कर रहा हूँ, वाइट थोड़ा सा डाल के, ताकि थोड़ा सा और उभर के आए पूरा पेंटिंग। अभी आप इमीडिएटली चेंजेस को देख पा रहे हैं। अगेन मैं नायलॉन ब्रश का इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टेज में। ओके, अगर आप लोग का कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और ये पेंटिंग आपको देख के कैसा लगा तो श्योर कमेंट्स में बताइए। और हाँ, मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स का भी लिंक डाल के रखूँगा, अगर आप लोग सीरियसली इंटरेस्टेड है इसका लॉन्ग वर्जन देखने के लिए, ऑलमोस्ट 15-20 आवर्स लॉन्ग, तो मेरा कोर्स में पूरा डिटेल्स दिया गया है। मेरे वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पेंटिंग करते रहिए।